कि ये पुष्पेंद्र की हत्या की गई है और पूरी तरीके से पैसे के लेन देन में हत्या की गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हमारे जनपद में क्या पूरे प्रदेश में है, लेकिन हम जनपद की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और पैसे के लेन देन में ये हत्या की गई है। हम दावे के साथ इस बात को कहते हैं कि पुष्पेंद्र यादव की खून की एक एक बूंद का हिसाब हम लेकर के रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, मानवाधिकार आयोग लड़ेंगे, जो भी कानून होगा संविधान में उसके अनुसार कानून के दायरे में रह करके लड़ेंगे और उनकी एक एक बूंद का हिसाब लेने का हम काम करेंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से भी सहयोग चाहते हैं, आप सब लोगों से भी मदद चाहते हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी जो है कल वहाँ पहुँच रहे हैं, उस परिवार से मिलने और उनको ढांढस बंधाने, उनको ताकत देने। लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं आज आप लोगों के माध्यम से कि हमने आपको भी धन्यवाद दिया कि आज जो हत्या हुई है ना किसी धर्म की बात है, ना किसी जाति की बात है, ना किसी राजनीति की बात है, ये मानव अधिकारों के रक्षा की बात है कि कोई आम आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, जिस आदमी के खिलाफ एक NCR ना हो उसकी हत्या कर दी जाए और उसको एनकाउंटर दिखा दिया जाए। तो हम सबसे अपील करना चाहते हैं, तमाम बुद्धिजीवी हमारे विशेष रूप से जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि उन लोगों को ऐसे मौकों पे, क्योंकि कानून का विश्लेषण वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, वो इस ऐसे मौकों पर उन्हें आगे आना चाहिए और कानून के दायरे में रहते हुए लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तीनों पे जो है जो जो मुलजिम हो उनके खिलाफ मुकदमा होगा। दिखाई गई दो अलग अलग बैपन की गोलियां हैं, तो क्या लगता है कि फिर लास्ट में गोली चलाई? बिल्कुल, ये तो है, आपके साथी कई लोग थे वहाँ, भाई आपके कई साथी भी वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन अब साथियों के सामने तो एनकाउंटर नहीं हुआ। भाई घटना हुई तो घटना, रात में तो कहीं आवाज सुनाई देती कि बंदूक चल रही, गोली चल रही, एक आवाज आई वो लास्ट में मार दी। भाई एनकाउंटर ऐसे नहीं होता कि जाके गोली मार दे, कोई एक गोली मार दे, एनकाउंटर में घंटों गोली चलती है, घेर आ गया या वो। फिर एक बात हम एक बात कहना चाहते हैं कि सारी बातें उनकी सच्ची है, सारी बातें सच्ची है कि उसने गाड़ी छुड़ा ली, थानेदार पे हमला बोल दिया और चला गया। लेकिन हम फिर भी पूछना चाहते हैं कि थानेदार कोई व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को क्या गोली मारने का अधिकार है? हाँ। बड़े बड़े क्रिमिनल जिनके ऊपर 100-100 मुकदमे हैं, उन लोगों को भी गोली मारने का अधिकार नहीं है? उनको गोली मारने का उसके खिलाफ तो एक FIR भी नहीं है, उसके खिलाफ कोई NCR भी नहीं है। इन लोगों ने सीधी सीधी हत्या की है, केवल हत्या करके और फिर उसको छिपाने का प्रयास किया। घटनास्थल भी बदला गया है? हाँ हाँ, घटनास्थल बदला, उन्होंने थाने बदल दिया, वो दिखाई जा रही, बाकी गाड़ी देखो आप, कहीं टच नहीं है गाड़ी, सीधी जा गई सड़क पे खड़ी हो गई और गोली चल गई। भाई अगर उसने वो चेंज करे तो वो ठीक है, वो उनके हाथ में है भाई, GD उनके हाथ में है, सैया भाई कुतवाल तो डरकाएगा। सांसद जी क्या लगता है, सीबीआई जांच प्रशासन लगा है इसको करने में, तो चेंज भी कर, लेकिन चेंज करने से थोड़ी चेंज हो जाएगा, कानून भी बोलेगा, ऐसा नहीं है। सांसद जी सीबीआई जांच होनी चाहिए सत्यता के लिए, सत्यता के लिए क्या? एक बात और कहते हैं, हमारी मांग ये है कि पुलिस के अलावा किसी भी दूसरी एजेंसी से जाँच होनी चाहिए। अगर हम तो चाहेंगे कि हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनके देखरेख में ये जांच होनी चाहिए। मशकील जांच काहे के लिए होती है आपको पता है? मशकील जांच केवल इसलिए होती है कि उसका जस्टिफिकेशन हो जाए, जो एनकाउंटर किया है उसका जस्टिफिकेशन हो जाए। उसका जस्टिफिकेशन करने के लिए उनके अंदर में काम करने वाला आदमी मशकील जांच कराए, हाईकोर्ट के जज से जांच कराओ, हम सहमत हैं। लेकिन जो एक मुद्दे पे पानी का पानी हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक मुद्दे पे जो आप लोग स्टैंड थे कि गलवा खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, तब हम पीछे हटे थे, तो वो तो उन्होंने केवल ट्रांसफर कर दिया। नहीं देखो, कायम है आज भी दरोगा के खिलाफ हत्या का मुकदमा, हमारी मांग है, आज भी मांग है।
और वो नहीं है, मान लीजिए उनने नहीं लिखा, आप जानते मुकदमा नहीं लिखा जाता तो क्या होता है, कोर्ट जाते हैं, हैं? कोर्ट जाएंगे, हमने कहा नहीं कि यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ भी मुकदमा लिखा जाएगा वहाँ जाएंगे और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कल जो पुलिस का रोल रहा, उस विधवा ने अपने आदमी का चेहरा नहीं देख पाई और रो रो के तड़पती रही और ये लाश लेकर के चोरी चोरी चुपके चुपके यहाँ आकर के उन्होंने दाह संस्कार कर दिया, उस समय आप वो नहीं रोक पाए तो? देखिए अब एक चीज है, वो एक कानून के रक्षक, अगर कानून के रक्षक बनेंगे भाई, हम लोग रात के लाए हो, हाँ रात के लाए हैं, कोई बहुत रात के दिन में आए, ताला लगा के शमशान घाट में ताला लगा के अंतिम संस्कार किया है, मीडिया को भी आधा कानून के, जब पूरा सब छावनी बनी है, अरे 10 बजे रात में आप पुल के नीचे हो ना, किसी से लेके आ जाओ, हम वहाँ मौजूद रहेंगे, वजह से पुल के नीचे 6 बजे तक हम वहाँ थे, जिस गाड़ी से आया था हम वहाँ मौजूद थे, अगर अगर इनको कोई वो नहीं थी तो क्यों रात को जलाया, भाई हिंदू रीति रिवाज से चला जाना चाहिए, किया है आपका क्या कहना, पुलिस ने जो अंतिम संस्कार किया है उसको ये वैधानिक है, वो विश्वास में लेकर के अगर परिवार के लोग FIR की मांग कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे लिख लेना चाहिए, वो तो ये कह रहा है इसको एनकाउंटर वाले में जोड़ के उसकी जांच करेंगे, नहीं नहीं उनका ये कहना है, यार तो हमारा भी कहना तो होगा कुछ, हमने कहा कि हमारा कहना है कि ये हत्या है, भाई FIR दर्ज कर दो, FIR किसकी होती है, जो पीड़ित होता है, भाई हम पीड़ित हैं, हमारा आदमी मरा है, उनका तो आदमी नहीं मरा, तो मानने वाले तो बोलिए, मैं हम पीड़ित हैं, FIR हमारी होना चाहिए कि उनकी होना चाहिए, FIR आपको लिखने के बाद जांच आप ही को करना है, हमें दोनों करना है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको जांच करना दोनों की, सांसद जी केवल केवल इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR होनी चाहिए, देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसका मतलब ये होती है कि उसकी सूचना, प्रथम सूचना, पहली हमने सूचना दी, तो पहली सूचना अगर हमारा आदमी मरा है तो हम सूचना देंगे कि हमारा आदमी, हमारा लड़का मरा है या हमारा भाई मरा है, जिस तरीके से उसकी आप सूचना दर्ज करो, हम किसी के नाम लिख रहे हों, किसी की बात कर रहे हों, तब तो कोई बात है भाई, ये तो जाँच आपको करनी है, लेकिन उसकी FIR दर्ज होना चाहिए थी, हमने उस समय भी मांग की थी, लगातार मांग थी, मांग है और मांग रहेगी।